गुरुवार रात जेल रोड पर एक बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी है फिलहाल इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। घटना एमजी रोड थाना क्षेत्र के जेल रोड की है। यहां गुरुकृपा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर देर रात अचानक आग लग गई। आग देख लोगों ने इसकी सूचना फायर की टीम को दी। मौके पर फायर की टीम आती तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिसे फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग कैसे लगी फिलहाल इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। आशंका है कि लाइट में हुए फॉल्ट से आग लगी है, जिसमें लाखों रुपए का माल जलने की आशंका है। ये 10:05 पर हमको सूचना मिली थी कि जेल रोड पर गुरुकृपा इलेक्ट्रिक में आग लगी है। तो दो दो एक मोती तबेले से एक यहाँ से दोनों गांधीयाल से दो गाड़ी तत्काल यहाँ पर आई, पानी के टैंकर आए और उसको बुझाने का पूरा कार्य किया गया। प्लास्टिक की आग थी, दूसरी तीसरी मंजिल पर चौथी मंजिल पर चली गई यहाँ क्या जलते जलते। तो इसका पूरा कंट्रोल पीछे से भी आगे से भी दोनों तीनों चारों तरफ से इसको कंट्रोल किया गया ताकि आग कहीं नहीं फैले, इधर उधर कोई फैलने की। क्या कारण था आपका? अभी कारण का मालूम नहीं पड़ा है, कितना क्या कारण हुआ है, क्या नुकसानी हुई है। तो आपको बुझाने में लगी अभी क्या है कि दो गाड़ियाँ कंटिन्यूस चल रही हैं और पानी का टैंकर अभी कंटिन्यूस चल रहे हैं। अभी पानी के टैंकरों की संख्या मालूम नहीं हुई, अभी कंटिन्यूस जब से चल रही है। कितना मोटर कितनी गाड़ियाँ हैं? 8-10 गाड़ी। हाँ, 8-10 गाड़ियाँ लग गई हैं, अभी पानी के टैंकर लग गए हैं और दो गाड़ियाँ चल रही हैं। सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह हुड्डा, पुलिस आर्मी ग्रेड इंदौर।